हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस इन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कैन बी सीन एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन इंश्योरेंस. मतलब क्या होता है ना, लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि वो मैच्योरिटी की बेनिफिट्स ले पाए. मैच्योरिटी की बेनिफिट्स मतलब बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी आती है जो बहुत अच्छे अच्छे मैच्योरिटी बेनिफिट्स ऑफर करती है. अब इसका जो टर्म है वो फिक्स हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, पर इससे जो पैसे आने होते हैं ना वो हमेशा ही सर्टेन होते हैं. या तो क्लेम्स से आएगा, मतलब तुमको ज़रूरत है पैसे की क्योंकि तुमने कोई डिस्ट्रक्शन मिला है, या लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज थी जिनके तहत तुमको क्लेम मिलने वाला था वो क्लेम के तहत तुमको पैसे मिलेंगे, या फिर तुमको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब चाहे कुछ गलत हो या ना हो तुमको फिर भी मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हारा पैसा तुमको विद इंटरेस्ट और विद सम बोनसेस वापस मिलेगा. एंड देन अब इसके मल्टीपर्पसेस हो सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगा, या फिर टैक्स बेनिफिट्स, या फिर इंश्योरेंस तो है ही है. उसके बाद विल टॉक अबाउट जनरल इंश्योरेंस. अब जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस मोस्टली डजेंट गिव एनी मैच्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है? ये स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस होता है. नाउ इंश्योरेंस किस चीज़ का? कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आ गए उसके लिए तुमको इंश्योरेंस चाहिए, और फॉर दैट इट इज़ यूज्ड. लाइफ इंश्योरेंस में जैसे टर्म फिक्स्ड या वेरिएबल हो सकता है ना, वैसे लेकिन जनरल इंश्योरेंस में तुम्हारा जो टर्म है वो फिक्स्ड होगा. मतलब मोस्टली एक साल का होता है, एक साल के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है. अब इसके जो पे आउट्स हैं, मतलब जो पैसा मिलेगा, वो बहुत अनसर्टेन होता है क्योंकि ये तुमने जो जनरल इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस पर्पस के लिए किया है ना. तो इंश्योरेंस पर्पस के लिए किया है तो अगर तुमने कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मीट किए तो फिर तुमको ये क्लेम्स के फॉर्म में मिलेगा. लेकिन अगर कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ, या एक्सीडेंट नहीं हुआ, फायर नहीं लगी है जिसके लिए तुमने जनरल इंश्योरेंस किया है, तो फिर तुम्हारा पे आउट जो है तुमको नहीं मिलेगा. मतलब तुम्हारे पैसे तुमको वापस नहीं मिलेंगे. उसके बाद अब ये सोलली फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर इंश्योरेंस. लेकिन जनरल इंश्योरेंस इट कैन बी फॉर, इट इज़ ओनली फॉर इंश्योरेंस. आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइज योर डाउट्स अबाउट जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.